गाइस वेलकम बैक टू अ ब्लॉग दैट इज लविश फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप करती हूं बहुत अच्छे होंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सुबह हो चुकी है, 10:11 बज रहे हैं, अब जाके नींद खुली है और यहाँ पे शुरू हो चुका है मम्मी का सीरियल, यहाँ पे चुप उठ चुका है, चुके पापा की बस जाने की तैयारी होने वाली है। हमें मिलवाते हैं अभी आपको सबसे। और गाइस जो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो द चैनल। मम्मी आ चुकी है कमरे में। मम्मी जो रखी गई है तबीयत खराब। इच्छी करी हुई है, उठो फिर आ जाओ। चलो गाइस देख सकते हो सवेरे सवेरे से मुंबई शैतानियाँ चढ़ी हुई है। चाचू पापा गाइस बाय बाय। गाइस को पारी कर दो, मुंह पे नहीं रखती, यहाँ रखते हैं। ऐसे गाइस मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर तैयार और अब करते हैं पूजा। अभी 12 बजने में टाइम है तो मैंने कहा चलो पहले पूजा कर ली जाए। और क्रिश को भी नहला दिया मैंने साथ में ही, तो मैं आपको मिलवाती हूँ क्रिचू से। जिस बदतमीज बच्चे को बाहर के सोफा कवर खराब करने लगा हुआ, इसको कोई काम नहीं। भाभी वो देखो उसका हाल आ रही है, इसको डांट पड़ेगी किच्चू को। इसको आगे देखो नया भाभी, देखो तो देख कर क्या रहा। अब डांट पड़ेगी इसको, डांट पड़ेगी इसलिए के बाद लगाई थी मैंने, बजाया। और गाड़ी हमारी डेजी गुमला पाके सो चुकी है, उसको नींद आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। नहीं गाई पीछे आंखों से देख रही है तेरे थे। भाई हमारे घर में पूरा दिन यही खप चलती रहती है ना किच्चू? इधर टूटी ना तो ये हाथ तेनू तोड़ेगा, तोड़ेगी याद रखी। फिर गु आ चुका है घर और पता नहीं कौन से पौधा खरीद के लेके आ गए। क्यों दिया स्कूल वाले? गिलास में थोड़ा लगाते हैं, बाहर किसी चीज में लगा दियो। अरे पहले यहाँ तो सेट कर दो। तो हाल गाइस टुको घर आते साथ ही इसकी शैतानियाँ शुरू हो चुकी हैं। और गाइस किच्चू भी गया हुआ था डुबू को स्कूल लेने के लिए, देखते हैं। तो गाइस नहीं गया, कहाँ आई नहीं वो। अच्छा नहीं दिखा मेरे को, नहीं दिखा सच्ची। किच्चू भी आ चुका है डुबू को स्कूल से लेकर, देखो चल कैसे रहे, बहुत थकावट हो गई है। भाभी भी आ चुकी हैं, हम आ चुके हैं घर शॉपिंग करके कान्हा जी के लिए और खाटू श्याम जी के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर लाए हैं ड्रेसेस, अभी आपको हम दिखाते हैं सारी ड्रेसेस बोक की थाली, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे आने वाला है गाइस मंडे को। तो अभी आपको मैं सुंदर सुंदर ड्रेसेस दिखाती हूँ खाटू श्याम जी की और कान्हा जी की। आ चुकी है हमारी बोक की थाली मिड्डू गोपाल जी की सुंदर सी, और ये मैं वैसे ड्रेस लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए छोटे से मेरे, और ये हमारे झूले पे रखने के लिए छोटे से उनके लिए साइड पिल्लोस, और स्पेशल ड्रेस जो उनकी है बर्थडे की ड्रेस, ये भी सुंदर सी बर्थडे की ड्रेस होगी गाइस। ये उनका प्यारा सा मुकुट, ये उनकी बांसुरी, और हाँ गाइस उनके कड़े सुंदर से, और ये उनकी माला। और गाइस अभी यहाँ से खाटू श्याम जी का सामान देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे जो खाटू श्याम जी हैं उनके लिए उनकी सुंदर सी पोशाक, और ये देखा छोटा सा मुकुट, तो इतना प्यारा लग रहा है गाइस। और एक और ड्रेस भी है गाइस आपको दिखाते हैं, ये देखो गाइस मोर पंख वाली ड्रेस कितनी सुंदर है, ये लवली है। और गाइस ये हमारी सुंदर सी माला, ये देखो। सो गाइस ये हमारा सारा सामान आ चुका है बर्थडे का, फुल प्रिपरेशन हो चुकी है। मम्मी रह गई है जो हमारे खाटू श्याम जी, उनका एक बड़ा वाला जो मुकुट है वो रह गया, तो वो हम शाम को लेके आएंगे भाभी। और हमारे माता रानी का भी लेके आना है हमने ड्रेस सुंदर सी ब्लू कलर की, क्योंकि हम सुंदर सजाएंगे पूरा मंदिर संडे को, या मंडे को भी मोस्ट प्रॉब्ली सवेरे से पूरा मंदिर सजाएंगे, तो फिर और बाकी सामान वगैरह भी लाना होगा। गाइस मंडे को मैं बोलूंगा कृष्णा। हाँ जी, तो गाइस डुगू और किच्चू दोनों कृष्ण जी बनेंगे, और वृंदा भी बने, हमारी चटोरा बच्चा भी बनेगा राधा रानी। सो सबके फोटोज भी वीडियोज दिखाएंगे गाइस आपको सुंदर सुंदर। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं गाइस, अभी पता नहीं है कि हम ड्रेस एक और लाएं, मेरी छोटी है। गाइस देखो सुन लिया आपने, कोई ड्रेस नहीं आ रही, नहीं पुरानी पहन जाएगी। तीरे आ चुके हैं घर और अभी भी पतंगों का भूत नहीं उतरा इनका, देख सकते हो अभी पतंगे जमा हो रही हैं। और गाइस यहाँ पे हम किच्चू डुगू की बांसुरी भी लेके आए, दिखा किच्चू की हमने अंदर रख दी है, डुगू की बांसुरी ये भी सुंदर सी। और गाइस माला भी आ चुकी है, और गाइस मम्मी बीमार बैठी है हमारी बुखार में। और गाइस मेरे लिए तो ये भी है कि मैं आप लगा सकता हूं 500 रुपए का। हां ये लो पकड़ो। सो गाइस 550 का मेरे को सेट मिला। तो गाइस यही होता है हमारे घर में,
ये आ चुके हैं किचन में और आज बन रहे हैं छोले चावल फुल फुल प्रोसेशन के साथ। क्या बोलिए, कौन सी भाषा बोलते बेटा? चाइनीज, जापानीज, ट्रांसलेटर रख ले आपके लिए। हाँ। क्या पैसे दे? दो पापा बोलो पैसे, दो पैसे मेरे को, पैसे दे दे किचो। मम्मी गुल्लक चले गए, पापा काम पे गए हैं, पैसे लेने गए हैं, तो कह रहा नानी कर रही है, मैं कह नानी ने खजाने खो रखे हैं उसे, नानी का गए हैं लेके आ गई, तू दो पैसे दो, तेरे लत मार के जाएगा तू अंदर कर दे आज ट्रांसलेटर निकाल। गाइस शाम को सब जला दी है भाभी ने, भाभी अभी पूजा करी, भाभी घर आके लेंगे, चलो। सो गाइस किच्चू को लेके जा रही हूँ मैं नीचे घुमाने के लिए, किच्चू के मामू किच्चू से मिलने के लिए आया है, बस अब बाय हो रही है यहाँ पे जाने की। अभी तो किच्चू कह रहे मामू ऊपर चलो, बाय जाऊँ मैं, चलो जाऊँ चले ऊपर, चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो। भैया भी आ चुके थे घर और यहाँ जा रहे हैं नीचे घूमने के लिए, और किच्चू देख सकते हो तैयार हो गए। गाइस ये लड़का सबके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाता है, इसको जहाँ ले जाओ बस ये तैयार है कि मेरे को ले चलो। गाइस पापा के साथ घूमी, बोल बाय बाय मम्मा, आओ नहीं मम्मा ने काम करना है, बाय। तो गाइस मेरा यहाँ हो चुका है ऑफिस स्टार्ट और किच्चू चला घूमने। यहाँ पे बन चुके हैं छोले चावल और कृष नाचते हुए कूद कूद के खा रहा है, बेचारी मम्मी की अपनी रोटी नहीं खा पा रही है किच्चू के चक्कर में। गाइस मैं उल्टी गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है। गाइस जी आती हुई नहीं है भाभी, कोई बना बनू के। तो गाइस कृष आ चुका था घूम के, उसको हमने आते साथ ही सुला दिया, क्योंकि एक होता है रात को बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि मेरा होता है ऑफिस जैसा कि आप लोग को पता है, और मम्मी की भी आज सुबह से तबीयत ख़राब थी क्योंकि उनको कफ कोल्ड बॉडी में सब कुछ हो रखा था, और बाकी सारे अब सो चुके, सारे जल्दी सो गए थे आज। सो मैं ही जाग रही बस एक उल्लू की तरह क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा है जैसे कि आप लोग को पता है हमेशा की तरह। सो गाइस इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड, सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू यूट्यूब चैनल दैट इज़ दाविश फैमिली ब्लॉग एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। और गाइस जल्दी जन्माष्टमी आने वाली है सोमवार को, तो मुझे तो बहुत ही खुशी है क्योंकि मैं कान्हा जी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। तो बहुत सारे डेकोरेशन करेंगे कान्हा जी के लिए, सब कुछ करेंगे, सो वो सरप्राइज़ है, वो लोगों को उसी दिन देखने को मिलेगा। सो आप लोग भी तैयारी करिए जो जो मनाते हैं हमारे कान्हा जी का जन्मदिन। वो मिलते हैं बाकी आपको कल गाइस।